तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज आपका भी फिर से हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश फ्रेश वीडियो के साथ, और आज की वीडियो से वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चले बढ़ते हैं आज की इस रिएक्शन की तरफ, और आज की इस वीडियो को लिया जा रहा है हमारे द मिस्टिका लैंड की तरफ से, और वीडियो का टाइटल होने वाला है व्हाट हैपेंड टू अभिनंदन इन दोस 60 आवर्स। अभिनंदन का, जैसे कि आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी और एज ए इंडियन जो है, आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का मसला हो गया था 2019 में आई थी, तो उसमें जो से हैं वो अभिनंदन जो से हैं वो जो सी सरहद है जिसे सीमा कहते हैं, जिसे बॉर्डर्स कहते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आ गए थे। तो पाकिस्तान ने जो सा उनके मिग कोई इस तरह का था, 31 था या कुछ इस तरह का उनका त्यारा था मिग, उसको जो सा वो शूट डाउन कर दिया था, और जो अभिनंदन है वो पाकिस्तान के अंदर जो से वो कैदी कर लिया गया था, उनको कैद कर लिया गया था। तो वो 60 आवर्स तक आई थिंक पाकिस्तान में रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर 60 आवर्स लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है वो 60 आवर्स तक ही पाकिस्तान में रहे थे। तो उसके ऊपर ये कोई वीडियो होने वाली है, आई थिंक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, और इसमें बताया जाएगा कि क्या हुआ था उनके साथ में। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि ये जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होंगी उसके ऊपर ही जो सैना अपना ये वीडियो बना रहे होंगे। उम्मीद है मुझे कि जो सैना वो ये इस तरह की चीज ही बनाएंगे। अब चले बढ़ते हैं आज के सिलेक्शन की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। साल था 2019 और दिन 1 मार्च। दुनिया के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में दो देशों के बीच जो हो रहा था उससे एक बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने थे, और इस बार जंग की वजह बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत का इरादा साफ था कि वो अपने कमांडर को भारत लाने के लिए कुछ भी करेगा, मगर इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी रोजाना होने वाली बेटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो फिर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन रात 8:45 पर पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पहली झलक दिखाई दी। रात 9:21 पर अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद उनके पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब में एक सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान भारत के इस जाबाज सैनिक को वापस करने के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के दरमियान ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है, और आखिर अभिनंदन अच्छा। के साथ उन 58 घंटों में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैरों से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था, इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ ये था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला होता है। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने भी प्लान बना लिया था कि वो पाकिस्तान को सबक तो सिखाएगा, इसलिए उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब रात को पाकिस्तान को इससे पहले पता भी चल पाता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में विरोध उठ चुका था, और इसी के जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, इसलिए पाकिस्तान के ये विमान जब भारत की बाउंड्री में घुसे तो तुरंत जमीन से उन्हें जवाबी हमला मिला, जिसके चलते 9 पाकिस्तान विमानों को तो जल्द ही सीमा में लौटना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश की। बस इसी का बचाव करने के लिए भारत की ओर से MiG-21 Bison भी मैदान में उतर गया, और इसी मिग प्लेन में थे हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन। आसमान में इन्होंने अपने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। इसी के तहत F-16 और MiG-21 में ऐसी खतरनाक डॉग फाइट हुई कि इस लड़ाई में F-16 के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सही समय पर अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट से नीचे आ गए।
वो बच तो गए, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना और कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहां उन्होंने लोगों से ये पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। गांव वालों ने कहा भारत है। अभिनंदन ने सच्चाई जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद। लेकिन गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है। तब एक ग्रामीण ने कहा था होरान गांव पीओके। ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। ये सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी। गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन समझ गए कि वो पाकिस्तान में हैं और अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। अबले देकर आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें उन्होंने पानी में भरकर खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लगे। इतने में गांव वालों ने भी अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दी थी कि भाई भारत का एक पायलट यहां गिरा है। जल्द ही आर्मी के 2 जवान या अफसर वहां पहुंचे और वहीं पर उनसे पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा मैं विंग कमांडर अभिनंदन, आईडी नंबर 27981। इस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इधर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत भी अपने इस सैनिक को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। उनकी तरफ से अभिनंदन को वापस लाने की कई कोशिशें की जा रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है मेडिटेटिंग शिवा की अद्भुत मूरत, जो आपके दुखों को दूर करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो अगर आप भगवान शिव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हर वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो अभी www.theartarium.com पर जाएं और मेडिटेटिंग शिवा को अपने घर पर ले आएं। आप हमारा कूपन कोड Mystica10 का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ें। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान उड़ा रहे थे। यहाँ अभिनंदन भी जानते थे कि वो ये जानकारी पाकिस्तान आर्मी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। इसी दौरान होरान गांव के किसी ग्रामीण ने भाई सोशल मीडिया पर अभिनंदन का पकड़ने वाला वीडियो जो है वो डाल दिया। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत को कन्फर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे थे। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाएं। दरअसल जिनेवा संधि के तहत किसी युद्ध बंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्ध बंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूतों के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने कई तरीकों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की सख्ती के आगे वो ऐसा ना कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर भारत ने ये स्ट्रांगनेस पाकिस्तान को कैसे दिखाई, आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था। बल इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वो हर कोशिश कर रहा था जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, और इसी के तहत उन्होंने P5 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की जा रही थी, और इस बातचीत का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। जब इसी के तहत लगातार पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों की ओर से फोन जाने लगे, तो पाकिस्तान दबाव में नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एक्सवित ने पाकिस्तान में वहां के अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों को बताया कि वो पाकिस्तान के वार्ताकारों को बता दें कि भारत झुकने के मूड में नहीं है। यदि उसे और गुस्सा दिलाया गया तो बात युद्ध तक पहुंच सकती है।
इस बीच चीन ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। उसने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो इसे डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी थी। सभी राजदूत जंजुआ को ये समझा रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर जंजुआ के पास एक नोट आया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। वो अपने पायलट को ना छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं। पाक विदेश सचिव ने यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि प्लीज ये बात आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे। कोई भी इस तनाव से नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध ना छेड़ दे। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है। वो अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे। और इस तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने को तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से भारत में खुशी और सुकून की लहर थी तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ सांसद और मंत्रियों से बंद कमरे में बात की थी। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन बाजवा और इमरान के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते वो बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आप उस पायलट को सलामत जाने दें, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस नानुकुर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद तो मानो भारत में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तरह देखने लगा और देखा जाए तो ये भारत की जीत ही थी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इस तरह भारत के आगे झुक रहा था। इसलिए भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि अभिनंदन को लेने के लिए एक विमान इस्लामाबाद जाएगा, मगर पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो दोपहर 2 से 5 बजे वो वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आएगी। फाइनली तय किया गया कि एयर अटैची ग्रुप कैप्टन जॉय कुरियन वाघा जाएंगे। जॉय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही तैनात थे, उनकी स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन के कारण भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर संपर्क में थे। वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया वाघा अटारी बॉर्डर पर दोपहर से ही जम गया था। रात 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से जीतने में सफल हो पाया। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका भाई का रिएक्शन था, पर इसके अंदर करने के लिए बातें तो बहुत सारी हैं। अब अंदर मैं खो गया था वीडियो के अंदर, मैं पूरा इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे पहले लगा कि इसको रोक के स्टॉप करके मुझे जो सा अपना ओपिनियन देना चाहिए, फिर मुझे लगा यार वो सारा जो सा है वो एक फ्लो जो बना था वो टूट जाएगा। इसके अंदर जो सबसे पहली जो मेन बात की जाए वो ये मसला हुआ था कि जो सा इंडिया ने जो सा वो हमला किया था, तो उसमें ये था कि पुलवामा को पाकिस्तान ने नहीं माना कि पुलवामा उन्होंने करवाया, और उसके बाद जो सा इंडिया ने जो हमला किया जो मतलब कि मुजफ्फराबाद में जो सा इन्होंने मोजाइल जाके फेंके या जो भी किया उसमें जो सा ये सीन था कि इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान उस जगह पे लेके गया था जहाँ के इंडिया ने क्लेम किया था, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे जस्ट जो से दरख्त थे वो उजड़े पड़े हुए थे, वहाँ पे किसी
भी किस्म का कोई मलबा अवेलेबल था ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया। उसके बाद में ये सीन हुआ कि पाकिस्तान ने फिर इसका जवाब देने की कोशिश की कि आप लोगों ने हमारे ये बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी किया था, हम आपके बॉर्डर के अंदर घुसेंगे। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान की जो से F-16 थे वो इंडिया के, उन्होंने उनकी सरहद की खिलाफ वर्जी की। जाहिर बात है कि जो अब मुल्क होते हैं वो अपनी जो सी वो जो से लैंड बॉर्डर होते हैं उसकी वायलेंस जो से होती है, जो सी उसको वायलेट किया जाता है तो उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया के अंदर घुसा और इन्होंने जो है वो हमला करने की कोशिश की होगी। मैं ये चीज़ को नहीं कहता कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश नहीं की, जाहिर बात है जब आप लोगों ने किया तो पाकिस्तान भी करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि जब ये अभिनंदन जो है ये MiG-21 था शायद, MiG-21 के अंदर इन्होंने चेस करने की डॉग फाइट हुई, तो उसके अंदर जो है ये उसमें F-16 को जो है वो चेस करते करते पाकिस्तान के अंदर घुस गए। और इंडिया के पास F-16 का कोई मलबा मौजूद नहीं था कि उन्होंने कोई F-16 गिराया, क्योंकि MiG-21 जो है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो F-16 है उसे काफ़ी लेटेस्ट है। तो ये जो अभिनंदन है ये जो सब पाकिस्तान की सरहद के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद फिर इनको वहाँ पर शूट डाउन किया गया, इनके जो MiG-21 था उसको, उसके बाद ही उसमें से इंजेक्ट कर गए और ये सारा सीन हुआ था। अब पाकिस्तान जो है वो हैर्स गली इसको कहते हैं, वाली स्कीम के तौर पे अभिनंदन को वापस करना ही था, क्योंकि आप जो से वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनको नहीं रख सकते, और वैसे भी जो से कौन सी ऑफिशियली वॉर चल रही थी। तो उसके बाद में अगर पाकिस्तान चाहता तो वो वापस नहीं कर सकता था, पर पाकिस्तान ने इसको वापस करना ही था, क्योंकि जब 1971 की जब जंग हुई थी उस टाइम पर जो है इंडिया ने पाकिस्तान के 90,000 फौजी जो है वो वापस किए थे। तो पाकिस्तान को ये जेस्चर देना ही चाहिए था। मैं अगर होता तो मैंने भी यही करना था कि जारी बात है आपने 91,000 जो से वो क्या नाम है पाकिस्तान के जो फौजी थे उनको आपने वापस किया था, तो एक फौजी अगर एक पायलट अगर आपके पास आया तो आपको उनको एक जेस्चर देना चाहिए था कि यार ये देखें हम भी लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाइयां जो होती हैं जो फाइट्स होती हैं उनमें से किसी का भी कभी भला नहीं हुआ। तो मेरा तो ये ख्याल था कि वापस करना बनता था, अगर पाकिस्तान ने किया तो मेरे ख्याल से बेहतर किया, और हमेशा माफ़ कर देने वाला जो होता है वो कायर नहीं होता, बुलजिल नहीं होता। मेरा ये ख्याल है अगर पाकिस्तान ने किया तो इंडिया को इसको एज ए पॉजिटिव नोट पर लेना चाहिए था, और अगर द मिस्टिकल एंड वाले भाई बना रहे हैं वीडियो तो उनको पॉजिटिव नोट में जो है इस चीज़ को करना चाहिए था, ना कि इसको बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए कि देखो जी हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, ये किया वो किया, तो उसके बाद जो है हम उसको अभिनंदन को वापस लिया। अगर पाकिस्तान वापस ना करना चाहता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, अगर इंडिया मिसाइल लगा के पाकिस्तान के ऊपर हमला करता तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स कर सकता था, पाकिस्तान अपना डिफेंस कर सकता था, इसमें कोई मसला नहीं है। पर मेरे ख्याल से कि मेरा जो ओपिनियन है वो अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, मेरा ओपिनियन है कि आप लोग जो है वो उसको पॉजिटिव नोट पर जो है उसको शेयर करो, ताकि जो सी आवाम जो सी नफरतें हैं ना आम आवाम के अंदर, आम जनता के अंदर जो नफरतें उसको कम किया जाए, ना कि इनको बढ़ाया जाए इस तरह से वो चस्ट थम्पिंग करके। मेरा ये अपना ख्याल है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे रिएक्शन, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड हुदा हाफिज़।